नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो टुडे एकेडमी। आपने देखा होगा कि कभी कभी समय बहुत अच्छा होता है, सभी काम बनते जाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हीं कामों को करने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लाइफ में कभी टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और कभी मूड बहुत अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है और कभी कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ग्रहों के गोचर यानी ट्रांजिट्स और आपकी कुंडली में चल रही दशा अंतर दशा के अनुसार ऐसा होता रहता है। तो आइए जानते हैं कि ग्रहों का गोचर आपके लिए फरवरी 2023 में कैसा फल लेकर आ रहा है। यदि आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुध 7 फरवरी को धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी को दोबारा राशि परिवर्तन करते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 13 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 फरवरी को शुक्र कुंभ से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन में जाएंगे। ग्रहों की इस स्थिति के अनुसार जानते हैं कि मेष राशि वालों का फरवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से इस महीने आप तनाव महसूस करेंगे। मेष राशि के जो लोग बिजनेसमैन हैं वो अपने बिजनेस को लेकर परेशान रहेंगे, क्योंकि इस महीने आपकी इनकम अपेक्षाकृत कम रहेगी और जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें ऑफिस की डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए इस महीने अपने काम से काम रखें और अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई दूसरों के लिए कोई बात गलत रूप से पेश हो सकती है जिससे आपको नीचा देखना पड़ सकता है और बदनामी भी संभव है। इस महीने आप थोड़ा स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे और अपना बेस्ट ना देने के कारण आपको बीच बीच में बॉस की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। यदि किसी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे थे तो इस महीने निवेश बिल्कुल ना करें, अन्यथा पैसे का नुकसान हो सकता है। और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें भी बहुत समझदारी से ही निवेश करना होगा। जल्दबाजी या हफरा दफड़ी में कोई डिसीजन ना लें और कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हुए एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें। फैमिली लाइफ की बात करें तो इस पूरे ही महीने मंगल आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे। इस महीने परिवार का माहौल तो अच्छा रहेगा, लेकिन किसी अपने के द्वारा रिश्तों में कड़वाहट घोलने की चेष्टा की जा सकती है, इसलिए किसी की बातों में आने से बचना होगा और घर की कोई बात बाहर बिल्कुल ना करें। मंगल के प्रभाव के चलते बीच बीच में परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। इस महीने बड़े भाई बहन या घर में बुजुर्गों की कोई बात दिल को चुभ सकती है, लेकिन यदि धैर्य से काम लेंगे तो सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यह महीना सुखमय रहेगा। इस महीने आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी हर कदम पर आपका साथ देगा, जिसकी बदौलत आपके सभी काम जल्दी बनते दिखाई देंगे। केतु का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होने से आपकी तरफ से अपने जीवन साथी के प्रति कभी कभी बेरुखी भी देखी जा सकती है। आपका रूखा स्वभाव आपसी रिश्तों के बीच समस्या का कारण बन सकता है, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का आपके 11वें घर में बैठना आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। और साथ ही 11वें घर में बैठकर शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 5वें घर को देखेंगे, जिसकी वजह से मेष राशि के जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। लेकिन इस महीने आपके रिश्ते का भेद खुल सकता है, जिसकी वजह से आपकी मदर आपसे नाराज रह सकती हैं। लेकिन यदि आपने शांति से और धैर्य से काम लिया और संयम बनाए रखा तो स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में आ जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो जो भी लोग पहले से किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, स्पेशली एस्थमा के पेशेंट्स को इस महीने बेहद सावधान रहना होगा। इस महीने मेष राशि वालों को कोई भी ऐसा काम जिसमें जीवन का खतरा हो ऐसा काम करने से बचना होगा। इस महीने किसी बात की चिंता बनी रहेगी, जिस कारण किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। दिमाग में कोई ना कोई विचार हमेशा चलता रहेगा, जो बेवजह परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए डेली मॉर्निंग वॉक करना और योग प्राणायाम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मेष राशि के स्टूडेंट्स को इस महीने पढ़ाई का दबाव ज्यादा रहेगा। इस महीने आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स उतना फेवरेबल नहीं रहेंगे। आपको इस महीने अपने टीचर्स की डांट भी सहनी पड़ सकती है, इसलिए उन सभी कामों से दूर रहें जिनसे आपके टीचर्स आपसे नाराज हो सकते हैं। फरवरी के महीने में मेष राशि वालों के लिए आपका लकी नंबर 7 रहेगा और लकी कलर मरून रहेगा। आइए अब जानते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ ही इस महीने गाय को गुड़ और चने की दाल खिलानी चाहिए और घर को पॉजिटिव एनर्जी से भरा रखने के लिए घर में सुबह शाम
ओम मंत्र चलाएं। इससे घर की सारी नकारात्मकता समाप्त होगी। मंत्र का लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और यदि आप अपना लकी जेमस्टोन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल सेंड करें। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक और नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ।